इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अने। राम मंत्र मुझको दिया रामदास गुरुदेव, परशुराम हृदय धरिया पाया आत्म भेद। गुरु गोविंद की मेहर ते रामा पड़ी पिछान, सब संतों के ऊपरे वारू मेरा प्राण, सब संतों के ऊपरे वारू मेरा प्राण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सांवरिया सेठ की जय। नरसी भगत की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। सभी हरिभक्तों को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। भाव और प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके बाप जी महाराज, श्री गुरु जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके मुद मंगलमय संत समाज, सभी संतों को प्रणाम करके विराजमान आप सभी का यथा योग्य सम्मान करके गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर गणपति जी के चरणों में आयोजित 3 दिवसीय नरसिंह जी के माहिरे की कथा में, आज 3रे दिवस की कथा में भगवान और भगवान के भक्तों की महिमा भक्त चरित्र के माध्यम से निवेदन करने की चेष्टा कर रहा हूं। कल के प्रसंग में हम सब ने ये बात सुनी, नरसिंह जी महाराज साधु संतों को लेकर, तुम्बा तुम्बी लेकर, पुरानी गाड़ी, बूढ़े बैल, सबको लेकर के जब विदा हुए, भगवान स्वयं खाती बन करके आए और नरसिंह जी की गाडोली ठीक कर दी। भगवान स्वयं गाड़ी आंकने लगे और 4 घड़ी में संतों को देखो नगर अंजार पहुंचा दिया। श्रीरंग जी के परिवार ने नरसिंह जी को निर्धन समझ कर देखो नरसिंह जी की उपेक्षा की। पुराने बाजार में टूटी हुई दुकान में नरसिंह जी को रोका है। न जाजम ना गुदड़ा बिछाने के लिए न जाजम दी न बिस्तर। सर्दी के समय देखो संत ठंडक से दुख पा रहे हैं। नरसिंह जी ने धुनी लगाई और कहा कि कीर्तन करो, ताली बजाओ। आज नानी बाई ने नरसिंह जी का बधावा किया, परिवार के लोग नानी बाई को सुना सुना करके कह रहे हैं तेरे पिताजी आए, कितना मायरा लेकर के आए। सासू ननन देवर सब नरसिंह जी के लिए ऐसी वैसी बातें बोलने लगे। नानी बाई दुखी होकर के नरसिंह जी के पास जाकर के बोली, परिवार वाले मुझे मोड़ियों की बेटी बोलते हैं। नरसिंह जी ने कहा, मोड़ियों की कहने से दुखी मत होना, नरसिंह भगवान का मोड़िया है। नानी बाई को दुख हुआ। नरसिंह जी बोले, कितना मायरा भरना है लिखवा करके लाओ। नानी बाई आई, परिवार वालों को कहा तो देखो ऐसी ऐसी चीजें लिखवाई। नरसिंह जी को भोजन के लिए बुलाया,
रात में बची हुई ठंडी खींचड़ी वो संतों को परोस दी। संतों ने जैसे ही तुलसी दल अर्पण करके भगवान के भोग लगाया, थाली में देखो सट्रस भोजन हो गए। नरसिंह जी महाराज 20 बाजार में जाकर संतों के साथ देखो कीर्तन कर रहे हैं। हलो हलो मारा दीन दयाल मारे घर हालो ने, हलो हलो मारा दीन दयाल मारे घर हालो ने, हलो हलो दाड़ो में खीर मारे घर हालो ने, हालो हालो मारा गोपिया रा श्याम मारे घर हालो ने, ओ हालो हालो मारा गोपिया रा श्याम मारे घर हालो ने, ओ थारी गणी गणी करो मनवा मारे घर हालो ने, ओ थारी गणी रे करो घर हालो ने, चावल रंधाड़ो थारे ओजला, चावल रंधाड़ो थारे ओजला, मारे घर हालो ने, हालो हालो मारा भगत रा नाथ मारे घर हालो ने, ओ हालो हालो मारा भगत रा नाथ मारे घर हालो ने, ओ थारी गणी रे थारी घणी घणी करो मनवा मारे घर हालो ने, ओ थारी गणी रे करो मारे नहीं, वो मारे कातर बोर मती मारे घर हालो ने, वो मारे कातर बोर मती मारे घर हालो ने, हालो हालो मारा दीन दयाल मारे घर हालो ने, हालो हालो मारा दीन दयाल थारी गणी रे, भाव से दोनों हाथ ऊपर बोलो भक्तों के भगवान की, मोठ बाजरी रा सोगरा, मोठ बाजरी रा सोगरा, कई ग्वार फड़ी रोसा मारे, ओ कई ग्वार फड़ी रोसाग मारे घर हालो ने, हालो हालो मारा गोपिया रा श्याम मारे घर
हणी अरे मीठी मीठी मनवा अरे घर हाडोनी ओ थारी घणी रे करो मनवार मारे घर हालोनी हरी बो तारी बेनती मारा थे इज मायर मारे घर हालो मारा थे इज मायर बाप मारे घर हालो 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 मारा दीन दयाल मारे घर हालो ओ हालो हालो मारा दीन दयाल मारे घर हालो ने ओ थारी घणी रे थारी घणी घणी करो मनवा थारे घर हालो ने थारी घणी रे करो मनवार मारे घर हालो ने बोलो भक्तों उनके भगवान की जय नरसी जी महाराज बीस बाजार में जाकर देखो कीर्तन का रंग जमा रहा है किसी ने जाकर के श्री रंग जी के घर में जाकर के कहा आपके सगा जी समधी जी कितना सुंदर देखो बीस बाजार में कीर्तन कर रहे हैं लोगों का मेला लगा है श्री रंग जी को दुख हुआ देखो पूरे परिवार को इन्होंने बदनाम कर दिया अब क्या करें इनका एक ने कहा वो नाच गान करते हुए आपके घर की तरफ आ रहे हैं श्रीरंग जी ने एक आदमी को भेजा उसको कहा नरसी जी को जाकर के कह दो यहां क्या नाच गान कर रहे हो आपके डेरे पर आपके गिरधर गोपाल आए हैं जैसे ही आदमी ने जाकर नरसी जी से कहा नरसी जी दौड़े दौड़े आए आकर के देखा कहां भगवान तो आए ही नहीं जैसे ही नरसी जी महाराज डेरे पर पहुंचे हैं डेरा में दिसे नहीं गिरधर जी को साथ आरत कर टेरत भयो मींडत दोनों हाथ जैसे ही नरसी जी महाराज डेरे पर पहुंचे हैं देखा भगवान तो आए ही पीछे से मायरा भरने के लिए बुलावा भेजा है मायरेदार मायरा भरने के लिए पधारो नरसी जी को चिंता हुई भगवान तो आए नहीं मायरे का बुलावा आ गया नरसी जी महाराज ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगे हे प्रभु मारा सांवरिया ने घना घना ओलवासा मारा सांवरिया ने घना घना ओलवासा आईजो जी सांवरिया मारे ओए जो जोजी सांवरिया मारे पावना सा मारा सांवरिया ने मारा सांवरिया ने घना घना ओलवासा मारा सांवरिया ने घना घना ओलवासा ओए जोजी सांवरिया मारे पावना सावरिया कबीर घर
मेरा भोग लगावना सा बठे मिसरीरा भोग लगावना सा आईजो जी सांवरिया मारे पावना सा आईजो जी सांवरिया मारे पावना सांवरिया ने घना घना ओलवासा आयो आयो जी सांवरिया मारे पावना सा आयो जी सांवरिया मारे पावना सा सांवरिया कर मारे आया कर मारे आया कीचड़ खाया कीचड़ खाया घबलिया रो पड़ दो लगावनो सा बठे घबलिया रो पड़ दो लगावना सा आईजो आईजो जी सांवरिया मारे पावना आईजो आईजो जी सांवरिया मारे पावना सा मारा सांवरिया ने मारा सांवरिया ने घना घना ओलवासा मारा सांवरिया ने घना घना ओलवासा आईजो आईजो जी सांवरिया मारे पावना सा आईजो आईजो जी सांवरिया मारे पावना सांवरिया मीरा रे आया मीरा रे आया कष्ट मिटाया कष्ट मिटाया विसरो अमृत बनावनो सा बठे विसरो अमृत बनावना सा आईजो जी सांवरिया मारे पावना आईजो जी सांवरिया मारे पावना मारा सांवरिया ने मारा सांवरिया ने घना घना ओलवासा मारा सांवरिया ने घना घना ओलवासा आईजो आईजो जी सांवरिया मारे पावना सा आईजो आईजो जी सांवरिया मारे पावना आप सांवरिया द्रौपदी रे आया आप सांवरिया द्रौपदी रे आया द्रौपदी रे आया द्रौपदी रे आया चीर बढ़ाया चीर बढ़ाया चुनड़ियों रो मोल चुकावनो सा वठे चुनड़िया रो मोल चुकावना आईजो आईजो जी सांवरिया मारे पावना सा आईजो आईजो जी सांवरिया मारे पावना सा मारा सांवरिया ने मारा सांवरिया ने घना घना ओलवासा मारा सांवरिया ने घना घना ओलवासा आईजो आईजो जी सांवरिया मारे पावना आईजो आईजो जी सांवरिया मारे पावना कहे नरसीलो सुन रे सांवरिया कहे नरसीलो सुन रे सांवरिया आणोवे तो आजा रे आणोवे तो आजा रे सांवरिया ओ आजा रे सांवरिया हरी सभा में बूंदा लागना बठे भरी सभा में बूंदा लागना सा आईजो आईजो जी सांवरिया मारे पावना सा आईजो जी सांवरिया मारे पावना सा मारा सांवरिया ने मारा सांवरिया ने घना घना ओलवासा मारा सांवरिया ने घना घना ओलवासा आईजो आईजो जी सांवरिया मारे पावना सा आईजो आईजो
जे सावरिया मारे पावना सा। नरसी जी महाराज भगवान से पुकार कर रहे हैं, प्रभु आपका मुझे पूरा भरोसा है। जब जब भक्तों ने आपको पुकारा, भक्तों के लिए आप दौड़े हुए आए, आपने इतनी देरी कहां लगा दी। नरसी जी ने विचार किया, अभी मेरी आवाज भगवान के कानों तक पहुंची नहीं। नरसी जी महाराज फिर एक एक भक्त का नाम लेकर देखो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भगता रे क्यों नहीं आयो रे मारा नटवर नागरिया, भगता रे क्यों नहीं आयो रे मारा नटवर नागरिया, क्यों नहीं आयो रे मारा नटवर नागरिया। तना भगत की भगति पूरा बली जिन रोखे तनि पायो रे, तना भगत री भगति पूरा बली जिन रोखे तनि पायो रे, बीज लेर साधाने बाट्यो, बीज लेर साधाने बाट्यो, बिना बीज निप जायो रे भगतारे हो, संतारे क्यों नहीं आयो रे मारा नटवर नागरिया, ओ नरसिले रे क्यों नहीं आयो रे मारा नटवर नागरिया। नाम देव कोई नानो लागे जारो छपरो छायो रे, नाम देव कोई नानो लागे छपरो छायो रे, मार मंडा सो छावण लाग्यो, मार मंडा सो छावण लाग्यो, लक्ष्मी बंद खिचायो रे भगतारे हो, संतारे क्यों नहीं आयो रे मारा नटवर नागरिया, ओ नरसिले रे क्यों नहीं आयो रे मारा नटवर नागरिया। धना भगत की क्या भक्ति ज्यादा थी, वो नामदेव आपके क्या नाना लगता था, सैन भगत क्या आपके ससुर लगते थे, वो फरसा भगत आपके क्या फूफा लगते थे, कबीर क्या आपके काका लगते थे, वो बेलनी क्या आपके बुआ लगती थी, वो कर्मा क्या आपके काकी लगती थी, और वो मीरा क्या आपके मासी लगती थी। सबके लिए आप दौड़े दौड़े आए, अब मुझे पता लगा आप तो बाल भोग के भूखे हो, जिन्होंने भी आपको भोजन कराया उनके लिए आप दौड़े दौड़े आए, मेरे पास तो कुछ खान पान की कोई चीज है नहीं। हे सांवरा आप किसी दिशा चले गए। नरसिंह जी महाराज गदगद भाव से देखो रो रहे हैं। गदगद वाणी रुदन कर नरसी करुणा की, भगवान देखो द्वारका में पलंग पर तकिया लगाए हुए पड़े हुए हैं, राधा रुक्मण सेवा में हैं। जैसे ही नरसिंह जी महाराज ने करुणा की, जब नरसी जी ने करुणा करी जी, जब नरसी जी ने करुणा करी, द्वारका में सोता सोता ओज किया हरी हरी, द्वारका में सोता सोता ओज किया हरी हरी। नरसी जी ने जैसे ही करुणा की और भगवान एकाएक नींद में झजक करके उठ गए, राधा रुक्मण दोनों ही हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, प्रभु
सेवा में ऐसी क्या कमी रही, आज आप कच्ची नींद में जग गए। रानी तो रुक्मणी खम्मा खम्मा ही करे जी, रानी तो रुक्मणी खम्मा खम्मा ही करे, मोतीड़ों रा थाल भर भर आरती करे हरे, मोतीड़ों रा थाल भर भर आरती करे। ताई बंदगी में प्रभु चूक परी जी, ताई बंदगी में प्रभु चूक भई, काती तो निद्रा में सोत्या ओ जकिया हरी हरी, काती तो निद्रा में सोत्या ओ जकिया हरी हरे। मारा तो भक्तों में रानी पीर पड़ी जी, मारा तो भक्ता में रानी पीर पड़ी, माए रोले जानो माने अब की घड़ी हरे, माए रोले जानो माने अब की घड़ी। राधा तो रुक्मण हरिषे जोड़िया दो हाथ, राधा तो रुक्मणी हर से जुड़ दो हाथ, माहे रो भरो तो माने ले चाली जो साथ हरे, माहे रो भरो तो माने ले चाली जो साथ हरे। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज जी, भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज, ठाकुर जी ने लाज सीताराम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरे। बोलो भक्तों उनके भगवान की। राधा रुक्मण हाथ जोड़ करके कह रही है, प्रभु सेवा में ऐसी क्या कमी रही। भगवान बोले, हे राधा रुक्मण, अभी मुझे मायरे में जाना है। राधा रुक्मण बोली, मायरे में जाना है, आप अकेले क्यों जा रहे हो, हमें भी साथ ले चलो। भगवान बोले, साथ चलने की बातें कर रही हो लेकिन वहां बात बैठेगी नहीं, या तो आप देखती हो श्याम मेरा पति है लेकिन वहां साथ चलोगी तो ननी भाई की सास के आगे आपको काम धंधा करना पड़ेगा, पनगढ़ से पानी लाना, जूठे बर्तन मांजना, घर में झाड़ू बुआरी पोचा लगाना। मारवाड़ी कहवे ज्यो अटे तो थुई रानी न मई रानी, कुण दे छुल्ला में छानी, लेकिन वहां ये बात बैठेगी नहीं, वहां साथ चलोगी तो सासू के चरणों में प्रणाम करना पड़ेगा, नेक देना पड़ेगा। नानी भाई के माँ है नहीं, नानी भाई को माँ की याद आएगी, नानी भाई को हृदय से लगाना पड़ेगा। साथ चलोगी तो नानी भाई की देरानी जेठानी उनको जिकारा देकर बोलना, देरानी जी जेठानी जी, वहां नानी भाई की एक ननंद है उससे तो आप डरते ही रहना। राधा रुक्मण बोली, प्रभु आप जाओ मयूरा की खरीदारी कर लो, हम तो सब तैयार होकर के बैठी हैं। भगवान बोले, आप दोनों बैठो, मैं मयूरा की तैयारी करता हूं। अब भगवान राधा रुक्मण को बैठा करके रात्रि में देखो द्वारका के बाजार खुलवाए, परिकर सहित पधारवा त्यार हुया रण छो, सौंझ लई सब सोद के कर कर मन में को। भगवान परिवार के साथ मायरा में जाने की तैयारी करते हैं, बाजार खुलवाए हैं। चढ़िया हर जी द्वारा पुररी हार,
बाई ने भात जो मोल वे चलिया हर जी को बेर भंडा काड़ा तो सेला बाप ता काड़िया हर जी जरिया हंदा था कीरम ची चोखा कापड़ा लेना प्रभु जी मैंया हंदा वे बाई ने मही चूनड़ी नानी बाई रो कोटम परवा सीना करण ने हरी चालिया दरिया हर जी माजन का तो वे सेठाड़ा लीनी छे साथ में चन्नणिया रा रत सिणगा जूना जोगड़ रावो मारगा लेनी हर जी रिद्धि सिद्धि सा राधा तो लेनी संग रुक्मिणी रावो थे तो नानी वैरागी अर्थ करे थे मिल सब जनी भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज नानी वैरे माहेरारी ठाकुर जी ने लाज सीताराम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरे द्वारका के बाजार खुलवा दिए माताओं बहनों के सोले श्रृंगार है भगवान एक एक वस्तु को याद करके साथ ले रहे हैं भगवान बोले उस डोकरी मां की वो सोने की सिलड़ी मत भूलना भगवान रुपयों की पोट बांधी है सेठ जी का रूप धारण किया राधा रुक्मण को साथ में लिया है भगवान राधा रुक्मण से बोले जब मयूर में साथ चलना है तो मयूर के गीत गाओ मत कोई अचरज मान जो संता राम सहाय सुख सारण कर बंदगी अब ही प्रगटे आए कोई आश्चर्य मत करना भक्त जब पुकार करता है भगवान भक्तों के लिए हाजिर है ऐसा कौन सा भगत जठे हरि नहीं आया मेरा भरना है नगर अंजार और भगवान ने मार्ग पकड़ा है जूनागढ़ का अब भगवान बोलो जूनागढ़ क्यों जा रहे हैं जब नरसिंह जी संतों को लेकर के रवाना हुए सब गांव के लोग हंसने लगे देखो लेने देने के लिए कुछ नहीं क्यों ये वहां जा रहे हैं भगवान सबको ये बताना चाहते हैं कि आप तो मेरे भक्तों को देख करके हंस रहे थे लेकिन मेरे भक्त के पीछे देखो मेरे जैसे सेठ गाड़े भर करके चल रहे हैं जूनागढ़ रा मारगा चालिया जी रणछो खड़े उताला बैलिया माहेरा रोको सुरंगो नानी बैरो माहेरो ओ सुरंगो नानी बैरो माहेरो नानी बैरो माहेरो ओ नानी बैरो माहेरो सुरंगो सुरे तो धन धन राधा
जूनागढ़ पहुंचिया। सूर्योदय हुआ उससे पहले भगवान जूनागढ़ पहुंच गए, रथ रोका, भगवान रथ से नीचे उतरे। भगवान पनगट पर माताएं बहने देखो पानी भर रही है, पणियारी उनसे पूछ रहे हैं, पानी री पणिहार नरसी मैं तारो घर किशो, नरसी जी का घर कहाँ है? वो पणियारी क्या बोली, सूरज सामो द्वार केर जवल के बारने, पूर्व की तरफ सूर्योदय जिधर होता है पूर्व दिशा की तरफ जिस घर का दरवाजा है, जिस घर के आगे केर का पेड़ है वो नरसी जी का घर है। भगवान ने आवाज दी, अरे नरसी जी है क्या? एक भाई बोला, सुनो साहब नरसी जी तो मायरे में गए। भगवान बोले, मायरे में गए? हाँ, कौन कौन साथ गए, कितने कितना मायरा लेकर के गए हैं? भाई बोला, सूरदासों की टोली है और तुम्बा तुम भी लेकर के गए हैं। भगवान बोले, नरसी जी होते तो आज जरूर मिलते। भाई बोला, इतना जरूरी काम है तो आप भी पीछे चले जाओ। भगवान बोले, मार्ग किधर से है अब बताओ भगवान, क्या मार्ग नहीं जानते? परमात्मा आज देखो लीला कर रहे हैं, परमात्मा लीला को तुकी है। भगवान रथ में बैठ गए, रथ हांकने लगे। अब नगर अंजार का मार्ग पकड़ा है, मार्ग लियो अंजार को श्रीपति रथ ललकार, ठीक दोपहरी माहेरो भरनो आज अंजार। आज दोपहरी में ही नगर अंजार में माहेरा भरना है। भगवान जल्दी जल्दी रथ हांकने लगे, रथ थारो कड़के हियो मारो धड़के, रथ थारो कड़के हियो मारो धड़के, टूटे ते ही वड़ा रो हार सम्राट, टूटे थे ही बड़ा रोहार, रोधी मारत है ना को प्यारे नंद कुमार, रोधी मारत है ना को प्यारे नंद कुमार, कावा तड़ियारा कंठ जधूजे, कावा तड़ियारा कंठ जधूजे, अचका तो लागे छे अचका तो लागे छे अपार, रोधी मारत है हाँ को प्यारे नंद कुमार, ओ थोड़ा धीमा हाँ को प्यारे नंद कुमार, ऐसा हाँ क्या सू प्रभु तुझा श्याम पाली, ऐसा हाँ क्या सू प्रभु तुझा श्याम पाली, आशा मेरा थड़ारी रथ डारी ला, धीमा रथ है हाँ को प्यारे नंद कुमार, थोड़ा धीमा हाँ को प्यारे नंद कुमार, पाली पाली जास्या मंगल गास्या, ओ पाली पाली जास्या हो मंगल गास्या, पहुंचा मैं तुरत अंजार सम्रा, पहुंचा मैं तुरत अंजार, इमारत है हाँ को प्यारे नंद कुमार, थोड़ा धीमा हाँ को प्यारे नंद कुमार। राधा रुक्मण कहने लगी, प्रभु धीमे रथ हाँको, देखो रथ आपका कड़क रहा है, गले के हार देखो टूट टूट करके नीचे गिर रहे हैं। आप बोले गीत गाओ, कैसे गीत गाएं प्रभु, कंठ कांप रहा, ऐसे जल्दी जल्दी चलोगे, हम तो रथ से नीचे उतर रही हैं, रथ के पीछे पीछे माहिरे के गीत गाती हुई तुरंत पहुंच जाएंगे। राधा रानी रुक्मणी अर्ज करे सुन श्याम, थोड़ा धीमा हाकता कहीं थारा लागे दम, धीमे चलने के
कोई पैसे खर्च होते हैं क्या? भगवान ने उत्तर दिया, सुन राधा सुन रुक्मणी, नरसी करे विलाप, अवसर पर पूगा नहीं लागे भक्त सरा। वहां नरसी जी विलाप कर रहे हैं, आज यदि समय पर नहीं पहुंचे तो भक्तों का श्राप लग जाएगा। भगवान बोले, पहले तो आराम से नींद में सोते रहे, देरी से रथ जोता, अब हमारे विलंब हो रहा है। वो मेरे भगत निर्वाणी है, वो नरसिंह जी भगत अकेले गए हैं, उनके साथ संतों की बेगार है, और लोगों के महेरे गांव के बाहर पहुंच चुके हैं, अपने देरी हो रही है। बातें करते करते भगवान नगर अंजार पहुंच गए हैं। नगर अंजार के गोर में हरि लीनो रथ ठाम, रथ रोका, भगवान रथ से नीचे उतरे, पनगट पर पूछते हैं, ये कौन सा गांव है? पणियारी बोली, ये नगर अंजार है, आप किसके यहां मेहमान आए हैं? भगवान बोले, हम श्रीरंग जी के मेहमान हैं, नरसिंह जी के साथ आए हैं, आप कृपा करो, नरसिंह जी कहां रुके हैं? वो पणियारी बोली, टूटी टपरी शामली नरसी जीरा ठाम, मंडप उबे चौवटे श्री रंग जी को धाम। वो सामने देखो, टूटी टपरी वहां नरसी जी मोड़ियों के साथ रुके हैं, और चौवटे में जो हवेली है वो श्री रंग जी का घर है। भगवान बोले, मुझे तो भक्तों से मिलना है। भगवान राधा रुक्मण को लेकर वहां से विदा हो गए। इधर देखो, श्रीरंग जी के घर में एक कलह हुई, श्रीरंग जी के घर में एक क्या कलह हुई? श्रीरंग जी रे घर माई राड भाई जी, श्रीरंग जी रे घर माई राड भाई, नारायणो तो नानी भाई ने उजड़ दई हरी, नारायणो तो नानी भाई ने उजड़ दई हरी। श्रीरंग जी के घर में एक क्या कलह हो जाती है? विवाह का घर था, कई लोगों ने भोजन किया, वो जुटी थालियां पड़ी थी। नानी भाई ने देखा, बैठे बैठे क्या करूं, नानी भाई थालियां मांजने लगी। जो ही वो नानी भाई जूटी थालियां लेकर के थाली मांजने के लिए बैठी थी, और वो नानी भाई का देवर नारायण, वो पता नहीं घर में कहां बैठा था, वो नारायण दौड़ता दौड़ता आया और आकर के नानी भाई के हाथ से थाली उठा करके थाली नीचे गिरा दी। भाभी, नहीं माजनी है थाली, तेरे पिताजी के मायरा कहां? गांव के आटे से तो वो पेट भरता है, मायरा भरते समय तो उनको परेशानी हो रही है, और भोजन का निमंत्रण दो तो भोजन के लिए तैयार, एक को बुलाओ और चार की टोली साथ में आती है। नानी भाई को दुख हुआ, देखो सब घर के लड़ने लग गए, नानी भाई को उजड़ कर नारायण तो घर में चला गया, नानी भाई दुखी हुई। मन मिले तो मेला कीजे, चित मिले तो चेला, ज्ञान मिले तो सतगुरु कीजे, नहीं तो भला अकेला। मारवाड़ी में कहावत है, राड विचे तो वैरे बाड़ी छोकी, नानी भाई तो राड आडी कर दीनी वाड़। नानी भाई हाथ में खाली घड़ा लेकर के तालाब के किनारे जाती है, ले चुकलियो सरवर गई, विलखत राजकुमार, राड मिटावण कारणे हरिशों करी है पुकार। नानी भाई हाथ में खाली घड़ा लेकर के तालाब के किनारे पहुंची है, पानी भरूं
या आज यही डूब करके मर जाऊं। हूं तो सरवर पानी रे ने चाली है माई, हूं तो सरवर पानी रे ने चाली है माई। नरसी नानी भाई तालाब के किनारे खड़ी है, आंखों में टप टप आंसू टपका रही है। मेरे पिताजी कैसे जिनको समझी, मेरे ससुर जी को मेरे पिताजी जैसे समधी मिले। देरानी जेठानी नित्य मुझे नई नई बातें सुनाती है। खाली चुकलियो हाथ में उभी सरवर पार, भर चुकलियो गर जावशो जद आसी गोपाल। या तो भगवान यहां आएंगे, नहीं तो आज मैं वापस नहीं जाऊंगी, आज मैं यही जल में डूब करके मरूंगी। सरवरियारी तीर खड़िया नानी नीर बहावे, जामण जाया वीर बिना कुण, जामण जाया भरण ने आवे है। सरवरियारी तीर खड़िया नानी नीर बहावे। नानी भाई खाली घड़ा लेकर के तालाब के किनारे खड़ी है, आंखों में टप टप आंसू टपका रही है। एक दिन मेरे पिताजी अरबपति कहलाते थे, इनके पास देखो ऊंचे ऊंचे महल मालिए थे, अनगिनत नौकर चाकर। वो बातें मुझे आज खूब याद आती है, कितने लाड प्यार से मुझे पाल पोस करके बड़ा किया, बड़ा घर देखकर अच्छा घर देखकर वहां मेरा देखो विवाह किया। जिस दिन मुझे विवाह करके रवाना किया, सोने चांदी की गांठे बांध बांध करके मुझे दी। बीती बातें याद करती हूं, मेरा हृदय भर रहा है। हे प्रभु, आपके भरोसे मेरे पिताजी खाली हाथ आए, कुछ साथ नहीं लाए, ये तुम्बा तुम्बी साधुओं का टोला लेकर के आए। देवा नित्य नई नई बातें सुनाता है।
प्रभु मैं आपकी यहां राह देख रही हूं, बाट देख रही हूं, मैंने तो देखा प्रभु आएंगे, प्रभु आप तो खाली आदमी नहीं आए। अजामील गज गीत के आयो बंदी पे माई बिहुनी कारणे कठे लगाई इतिजे, आपने इतनी कहां देरी लगाई। उबी बाई सरवरिये रीपा ऊंची तो चढ़े नीची उतरे आंबलड़ारी गहरी गहरी छाड़े ऊपर बैठो सुवटो सुवटड़ा तू धर्म को रेवी देख झूलरिया ने आव तो सामो जोइयो झीणी झीणी गुडे है गुला जमके थे जूनागढ़ रामालगा। नानी भाई तालाब की जो पाल थी कभी उसके ऊपर चढ़ती है कभी नीचे उतरती है, तालाब की पाल पर एक आम का पेड़, पेड़ की एक टहनी पर एक तोता बैठा है। उस तोते को देख करके नैनी भाई बोली, भाई तू मेरा धर्म का भाई है, तेरे पंखे हैं, उड़ करके देख भाई किस दिशा से आ रहे हैं। मारे हरिया वन रासुवटिया थन राम मिले तो कह दीजे, मारे हरिया वन रासुवटिया थन राम मिले तो कह दीजे, थन राम मिले तो कह दीजे, थन सांवरियो मिले तो कह दीजे, थन राम मिले तो कह दीजे, थन सांवरियो मिले तो कह दीजे। मारे हरिया हरिया वन रासुवटिया थन राम मिले तो कह दीजे, मारे हरिया वन रासुवटिया थन राम मिले तो कह दीजे। मारे हरिया 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 वन रासुवटिया थन राम मिले तो कह दीजे, मारे हरिया वन रासुवटिया थन राम मिले तो कह दीजे। भाव से दोनों हाथ ऊपर, भगवान की जय। वो तोता जो ही ऊपर वाली डाली पर जाकर बैठा पश्चिम दिशा की तरफ देखने लगा, जो ही नानी भाई ने पश्चिम दिशा की तरफ देखा भगवान राधा रुक्मण को लेकर के आ रहे हैं। जो ही भगवान को राधा रुक्मण के साथ देखा नानी भाई सामने गई और पूछने लगी, आप राधा रुक्मण बोली, ये वसुदेव जी के बेटे हैं, देवकी जी के लाडले, श्रीरंग जी के हम लोग मेहमान हैं, नरसिंह मेहता के साथ आए हैं, नगर अंजार में हमको मायरा भरना है, नानी भाई हमारा लाड कोड करेगी। नानी भाई बोली, मैं इस नानी भाई हूँ, भगवान नानी भाई के माथे पर हाथ रखते हैं। राधा रुक्मण रथ से नीचे उतर कर नानी बाई को हृदय से लगाती है। नानी बाई उमंग ही सुन रिद सिद्ध की बात,
जल भरती थी छाण के अनछाणियों ले जा नित्य। नानी भाई पानी का घड़ा छान करके भरती थी, आज बिना छाना हुआ पानी का घड़ा भरा और नानी भाई ने सासू ननंद को आवाज दी, सासू जी ननंद भाई इधर आओ, देखो मेरे भाई आ गए, देखो मेरी भुजाएं आई है। सब हंसने लगे, आए इनके भाई, आई इनकी भुजाई, देखो निर्धन आदमी को सब हंसते हैं, ये तो नित्य की रीत है। नानी भाई कहने लगी, सासू जी देखो जी, सासू जी मारे पियर रो परवार जी, देखो जी सासू जी मारे पियर रो परवार, रत में बैठो सावल वीरो भुजाया छेलार हरे, रत में बैठो सावल वीरो भुजाया छेलार, वीरा जी री पाग ऊपर सेव रो जल के जी, राजीरी पाग ऊपर सेवरो झलके हो जायो रे शीश ऊपर चुनड़िया चिलके हरे, हो जायो रे शीश ऊपर चुनड़िया चिलके, भगत वचन प्रभु सारे सब काज जी, भगत वचन प्रभु सारे सब काज, नानी भाई रे माहेरारी ठाकुर जी ने लाज, सीताराम जी ने लाज, लदे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरे हरे। देखो जी सासू जी मेरे पीहर का परिवार, देखो भाई आया है, भुजाएं आई है, मेरे भाई की अनंत उपमा है। सब लोग हंस रहे हैं, देखो मार्ग में निकलने वाले किसी को भी नानी भाई ने अपना भाई बना लिया। नानी भाई घर में तिखंडे ऊपर जाकर के कहने लगी, भाई उबी रंग रे छाजे गुड़लो रे जोंजर बाजे, भाई उबी रंग रे छाजे गुड़लो रे जोंजर बाजे, भाई खड़ी जरो का जाके देखो आयो महेरो माके, भाई खड़ी जरो का जाके देखो आयो महेरो माके। सासू बोली, बहू रानी नीचे आ जाओ, घाटू का छाजा है, कहीं गिर गई तो विवाह में विघ्न हो जाएगा। सासू ननंद नानी भाई को पकड़कर ऊपर से नीचे उतार कर कर लाई। नीचे उतरते समय नानी भाई बोली, सासू जी थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं इन आंखों से बताऊंगी, मेरा भाई आज मायरा बनेंगे। अब भगवान राधा रुक्मण को बोले, आप गली में से होकर के जाओ, श्रीरंग जी के घर में हम लाड कोट करेंगे। अब भगवान सेठ जी का रूप धारण करते हैं, जरण झीणी बांधे पागड़ी झीणो सज के साथ, मोरा पाछे गांठड़ी बन गया आप बजाज। भगवान सेठ जी का रूप धारण करते हैं, कपड़ों की गांठ ऊंचाई और चौबटे में जाकर आवाज दे रहे हैं, कपड़े ले लो कपड़े, अरे विवाह का घर है कोई कपड़े ले लो, मायरा भरो तो कोई कपड़ा ले लो, यहां रास में किसको कपड़े चाहिए। हिला मारे सेठ जी थे दरवाजो खोलो जी, हिला मारे सेठ जी थे दरवाजो खोलो, मायरो भरो तो कोई कपड़ा तो लियो, भरो तो कोई कपड़ा तो लियो, कोई कपड़े ले लो कपड़े। और तो किसी ने आवाज सुनी नहीं, ननी भाई का देवर नारायण वो घर में पता नहीं कहां बैठा था, घर की आगल खोलकर नारायण दौड़ता दौड़ता आया और आकर के बोला, को सेठ जी अपने कपड़ों के भाव बताओ,
भगवान बोले एक हाथ कपड़ा लोगे 1000 रुपये लगेंगे, पूरे कपड़े तो आप ले भी नहीं सकते। देवर ने आश्चर्य किया, इतने महंगे कपड़े? नारायण बोला इतने महंगे कपड़े, यहां एक नरसिंह मेहता आया हुआ है वो कपड़े लेगा, उसके माथे पर टोपी है, शरीर पर लंगोटी है, हाथों हाथ आपको पैसे गिन करके दे देगा। भगवान बोले कौन से नरसिंह जी? जूनागढ़ वाले। नारायण ने आश्चर्य किया, सेठ जी के और नरसिंह जी के कब की जान पहचान है? नारायण पूछता है सेठ जी आपके और नरसिंह जी के कब की जान पहचान है? भगवान बोले भाई हमारे तो पूर्व लाभवार है, देंगे तो ले लेंगे नहीं तो उधार कर देंगे। नारायण विचार करता है ये सेठ भोला है, ये कपड़े गमा देगा, देख भाई मेरी बात मानता है तो नरसिंह जी से कोई व्यवहार मत करना। पुराने बाजार में टूटी हुई दुकान में नरसिंह जी रुके हुए हैं और चौटे में श्रीरंग जी का घर है। भगवान बोले मुझे तो नरसिंह जी से मिलना है। नारायण तो वापस घर में चला गया। अब भगवान जहां नरसिंह जी रुके हुए हैं वहां जाकर के आवाज देते हैं, नरसिंह जी है क्या साहब? अरे नरसिंह जी है क्या? आज भगवान ने जाकर के ज्यों ही नरसिंह जी के आगे कपड़े की गांठ रखी, नरसिंह जी अफूटे घूम गए, ले जा तेरी गांठ। अब सब शर्म गमा करके आया है। भगवान फिर कपड़ों की गांठ आगे रखते हैं तो फिर नरसिंह जी पीछे घूम गए, ले जा तेरी गांठ। भगवान बोले भक्त भी देखो कितने जिद्दी होते हैं, पहले यदि पता होता तो ये कपड़े की गांठ ब्याई जी के वहां रख करके आ जाता। भगवान कपड़ों की गांठ लेकर के वहां से रवाना हो गए। जैसे ही भगवान कपड़ों की गांठ लेकर के वहां से रवाना हुए, नरसिंह जी ने धीरे से देखा, अरे गांठ लेकर के ये तो जा रहे हैं। नरसिंह जी पीछे भागे, दौड़ते दौड़ते गए, उबोरे रे सांवरिया तू ठाडो रे गोपाल जी, उबोरे रे सांवरिया तू ठाडो रे गोपाल, जायोड़ी गांठड़ली माने दे जानंद लाल हरी, जायोड़ी गांठड़ली माने दे जानंद लाल। बोली से बाहर निकलते समय भगवान की गांठ पकड़ी और भगवान नरसिंह जी के साथ वापस आए। अब बीच में तो भगवान बैठ गए, चारों तरफ संत बैठ गए। नरसिंह जी ने वो बड़े बड़े तुम्बे ला करके भगवान को भेंट दे दिए, छोटी मोटी तुम्बड़ियां उनकी निछरावल की मानो रेज की उछाली है। तुलसी जी की माला गले में पहना दी, गंगा जल गोपी चंदन ला करके आगे रखा, लोगों की भीड़ हुई, देखो देखो इस सेठ के ऊपर इस नरसिंह ने देखो भुरकी गिराई है, दुनिया तो नरसिंह जी को देख करके भाग रही है। यहां देखो भक्त और भगवान का मिलन हुआ। नरसिंह जी ने भगवान से कहा, प्रभु आप देरी से कैसे आए? आप नहीं आए देखो नरसिंह की क्या दशा हुई। आयो रे भगतारो भीड़ी मोड़ी लायो गांठड़ली, आयो रे भगतारो भीड़ी मोड़ी लायो गांठड़ली, मोड़ी लायो मोड़ी लायो मोड़ी लायो गांठड़ली, मोड़ी लायो गांठड़ली मोड़ी लायो गांठड़ली, आयो रे भगतारो भीड़ी मोड़ी लायो गांठड़ली, आयो रे भगतारो भीड़ी मोड़ी लायो गांठड़। ओरे सगाने समरा इच्छा ने भोजन, ओरे सगाने समरा इच्छा ने भोजन, नरसिंह ने दीनी रुकी गांठड़ली, ओ नरसिंह ने दीनी रुकी गांठड़ली, आयो रे भगतारो भीड़ी मोड़ी लायो गांठड़ली, ओ आयो रे भगतारो भीड़ी मोड़ी लायो गांठड़ली। बोलो भक्त और उनके भगवान के।
की जय। नरसिंह जी भगवान से कह रहे हैं, प्रभु आप देरी से कैसे आए, आप नहीं आए तब देखो और सब लोगों को इच्छा अनुसार भोजन, और आपके बिना नरसिंह को रात में बची हुई ठंडी खींचड़ी दी और सभी को मेलों में ठहराया, और आपके बिना नरसिंह को देखो पुराने बाजार में टूटी हुई दुकान में रोका, सभी संबंधियों को खाट बिछाने के लिए दिए और नरसिंह को ये टूटी हुई खाट, और लोगों को रजाई पत्थर ने, और आपके बिना देखो नरसिंह को ये फटी हुई गुदड़ी। आप यहां आए, हम आपकी क्या मनवार करें, अन्न हमारे पास है नहीं, धन हमारे पास है नहीं, कोई कपड़े बिस्तर भी नहीं है, नहीं तो कोई चीज कहीं रख करके कुछ लेकर आपकी अगवानी करते, यहां किसी से हमारी जान पहचान भी नहीं है, हम तो और लोगों के वहीं भोजन करते हैं। नरसिंह जी बोले, प्रभु आपकी गांठ में कपड़े हैं, कपड़े दो मायरा बरते हैं, आप क्या क्या खरीद करके लाए, कौन कौन साथ में आया है, सब बात हमको सुनाओ। भगवान बोले, रिद्धि सिद्धि दोनों ही हमारे साथ है, खूब आनंद मंगलाचार है, मायरा उड़ाएंगे, केवल श्रीजंग जी के घर में ही नहीं पूरे नगर अंजार में आज मायरा उड़ाएंगे। भगवान ने जवाब दिया, आनंद बहुत घना हो नरसिंह जी मारे, आनंद बहुत घना नरसिंह जी मारे, आनंद बहुत घना नरसिंह जी मारे, आनंद बहुत घना मेरी गांठड़ी में सब कुछ पावे, मेरी गांठड़ी में सब कछु पावे, भगतारे काज फिरा हो नरसिंह जी मैं तो, भगतारे काज फिरा नरसिंह जी मारे, आनंद बहुत घना नरसिंह जी मारे, आनंद बहुत घना नरसिंह जी, खूब आनंद ही आनंद है, मैं तो भक्तों के लिए ही घूमता हूँ, चलो मायरा बरते हैं। भगवान और नरसिंह जी रवाना हो गए, अब भगवान नरसिंह जी को साथ लेकर गांठ लेकर के रवाना हुए। अब लो इंजन तो चला गया, सूरदास पीछे रह गए, जैसे ही वो सूरदास खड़े हुए, अब नगर अंजार की संकड़ी गली दिखता कुछ है नहीं, सूरदास इधर उधर हाथ घुमाते हैं, ज्यों ही ठोकर लगी एकाएक नीचे गिर पड़े, ज्यों ही सूरदास नीचे गिरे, नीचे गिरते ही सूरदासों की आंखें खुल गई, पड़तारा खुल गया, नै दातारा दर्शन भया, अब इनको सब देखने लग गया है, निर्धन रो धन राम, धन नरसीरा सामरा, नरसी जी रे आया साथ तो दाता लोयन दिया। आज देखो नरसिंह जी के साथ आए तो भगवान ने देखो आंखें दे दी, अब भगवान सेठ जी बने, राधा रुक्मण को सेठानी बनाई, अब भगवान देखो मायरे में पधार रहे हैं, सब मायरेदार तैयार हो जाओ, सब मायरेदार भक्ति भावना से भगवान के साथ मायरा लेकर के पधारेंगे। सांवरियो है से, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है, सांवरियो है से, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है, जाने दुनिया सारी है, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है, सांवरियो है से, राजाओं के राजा मह
पल में से, सोने पल में से, सोने पल में से ठाणी है, सोने पल में से, सोने पल में से, सोने पल में से ठाणी है, ये तो जाने दुनिया सारी है, सांवरियों है से सिठानी लक्ष्मी नरसी कारण आया हरे सावल सेठ सिठानी लक्ष्मी नरसी कारण आया हरे निज भगता सुना तो पालियो शीश बोझ धर लाया हरे निज भगता सुना तो पालियो शीश बोझ धर लाया वणिक संग बहु भीड़ कनेरी कलम कान में भीड़ गणेरी कलम कान में टांगी बप्पा साई बांध पागड़ी ऊंची पैरी आंगी हरे बप्पा साई बांध पागड़ी ऊंची पैरी आंगी हरे सवरिया सेठ की सहाबण आयो रोकड़ बटवो साथे जी संग कुबेर सहाबण आयो रोकड़ बटवो साथे और सकन सिर बंदी गाटड़ी दबो श्रीपति हाते हरे और सकन सिर बंदी गाटड़ी दबो श्रीपति हाते सिठानी लक्ष्मी नरसी कारण आया जी सावल सेठ सिठानी लक्ष्मी नरसी कारण आया निज भगता सुना तो पालियो शीश बोझ धर लाया अरे निज भगता सुना तो पालियो शीश बोझ धर लाया नवल नागरी निरखि बदन छवि हर की मन मोहे दी नवल नागरी निरखि बदन छवि हर के मन मोहे दी पूछत बाम परस पर छुप छुप कहो सकी ये को है दी
पूछत वाम परस परस पिछ पिक हो सकी ये को है सावरी सूरत लगे सुहावनी भामिनी सवे लुभानी जी सावरी सूरत लगे सुहावनी भामिनी सवे लुभानी को कहे ये नगर सेठ है को कहे राजा रानी हरे को कहे ये नगर सेठ है को कहे राजा रानी आयो रे भाई आयो रे सावल बीरो आयो रे आहे रोले आयो रे सावल बीरो आयो रे सावरिया राधा जी भगता पे है राजी करे घनो लाड है लुटावे हैं हर बात बनावे हैं भगतारा खाट है हो देवे छप्पर पार देवे छप्पर पार नहीं इनको कोई दानी है देवे छप्पर पार देवे चप्पर फाड़ नहीं इन सफेदानी है ये जाने दुनिया सारी है कावरियो है से माहे रोले आयो रे सावल बीरो आयो मारो सावल वीरो बोलो सावरिया जो दे बीरा भात भरण ने आई जो ओ बीरा भात भरण ने आई जो बुद्धि मतना देर लगाई जो ओ फिर मतना देर लगाई जो दे बीरा भात भरण ने आई जो ओ बीरा भात भरण ने जो
बीरा बांध पागड़ी आई जो मन लाल चुनरिया उड़ाई जो ओ मन लाल चुनरिया उड़ाई जो दे बीरा बांध परण ने आई जो सभी हरि भक्तों से निवेदन है दोनों हाथ ऊपर उठाइए मेरा भात भरण ने आई जो Thank you.
सावरिया राधा जी भक्ता तेरा जी करे घड़ो लाड हे। सावरिया राधा जी भक्ता तेरा जी करे घड़ो लाड हे। भंडार लुटावे है हर बात बनावे है भगतारा ठाट है। हर बात बनावे है हर बात बनावे है ठाट है। देवे छप्पर पाड़ देवे छप्पर पाड़ नहीं इन तो कोई दानी है। देवे छप्पर पाड़ देवे छप्पर पाड़ नहीं तो जाने दुनिया सारी है। सांवरियो है से सांवरियो है से तुम्हारी दादाजी से ठाणी है। सांवरियो है से हाथ मोकलो लै जो मारी ससुरिये में पान पढ़ाई जो ओ मेरा भात भरण ने आए जो सुख दुख में सांवरिया सुख दुख में राधा जी सदा तेरे साथ है। सुख दुख में सांवरिया सुख दुख में राधा जी सदा तेरे साथ है। मेरी चिंता दूर करे मेरी विपदा दूर करे मैं दूर करे मेरी विपदा दूर करे रख ले वे बात है। हो भगतारो तो काम भगतारो तो काम बस एक हाजरी लगानी है। भगतारो तो काम भगतारो तो काम हाजरी लगानी है। जाने दुनिया सारी है सांवरियो है से सांवरियो है से तुम्हारी राधा जी से ठाणी है। सांवरियो है से आयो रे भाई आयो रे सावल वीरो आयो रे आयो।
ससुर जी को आप लाल चादर ओढ़ाना, सासू जी को सात वेश देना, सात वार को ये नए नए कपड़े पहनकर गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, जेठ जी को आप रंग की पोशाक देना और गिगी बाई को ऐसी साड़ी देना जिसकी लाख रुपये कीमत हो, जैसा लिखा है वैसे आप सारी बस्ती को देना, लेकिन इस देवर नारायण को कुछ मत देना, इसने मुझे बहुत परेशान किया है। भगवान नानी बाई के माथे पर हाथ रख करके बोले, सुख सारण हरि मुलक मुख दियो शीश पे हार, बाई देवर टालियां हल्की लागे बात, पूरी बस्ती को आज मायरा उड़ा रहे हैं और देवर को यदि नहीं देते हैं तो बात हल्की लगती है। अब गई बात को अब तू जाजम नीचे रख, मुझे मायरा भरने दे। तब नानी बाई बोली, भगवान आप मायरा भरें, नागर कुल की वो सब स्त्रियां इकट्ठी हुई और देखो नानी बाई के साथ, नानी बाई जब भाई के तिलक करती है, भुजाइयों के तिलक करती है, तो मारवाड़ में वीरो गाते हैं, वीरो बैंद्रे घर में भाई आवे
बहन भाई रे वास्ते वीरो गाया कर। सहेलिया मारे मोहन वीरो आयो, सहेलिया मारे मोहन वीरो आयो। सभी भाई बहनों से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर। संजोयो मोतियों रो थाल बतायो, सहेलिया मारे मोहन वीरो आयो, सहेलिया मारे मोहन वीरो आयो। Yeah, yeah, yeah.
भरण ने पाहे रो कर चांदी पाई करुण पुकार समझता आया भरण ने माहे रो नड़ी नानी बाई मिलिया नानी बाई मिलिया दोनों हाथ पसार सवरिया आया भरण ने माहेरो नानी बाई मिलिया दोनों हाथ पसार सवलसा आया भरण ने माहेरो आया भरण ने माहेरो सवलसा आया भरण माहेरो 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 सुनकर नानी बाईरी सुनकर नानी बाईरी परुण पुकार सवलसा आया भरण ने माहेरो सुनकर नानी बाईरी परुण पुकार सवलसा आया भरण ने माहेरो सवरिया सेठ की सगला गावने 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 कर रया सब जय जय कर सवलसा आया भरण ने माहेरो आया भरण ने माहेरो बोलो सवरिया सेठ की जय हो। आज देखो परमात्मा भक्त के ऊपर कृपा कर रहे हैं। भगवान सांवल सेठ बनकर अनोखी अनोखी वस्तु में लेकर के आए। सुनी होने देखी कहूं ग्रंथन में लेखी कहूं नागर कुल के लोग इकट्ठे होकर के भगवान को पूछ रहे हैं आप ये सब मायरा किसके लिए लेकर के आए हो। आप कहीं रास्ता भूल करके तो नहीं आए? आज ये सब इतना सामान किसके लिए लेकर के आए हो? नागर कुल के लोग सब इकट्ठे होकर के देखो भगवान को पूछ रहे हैं। नरसी को आप दे रहे हो, वापिस क्या लोगे? ये नगर अंजार है, ऐसा लगता है आप मार्ग कहीं भूल करके आ गए। भगवान ने वापिस उत्तर दिया, हम मथुरा के सिरदार द्वारका के राजा सांवल सेठ हमारा नाम है और श्रीरंग जी के हम मेहमान हैं। नरसी जी के साथ आए हैं, नरसी जी हमारे सेठ है और हम नरसी जी के मुनीम हैं। हमारे जैसे एक नहीं 360 मुनीम है नरसी जी की। हमारे ऊपर विशेष कृपा है, ये छोटा सा महरे का काम नरसी जी ने हमको सौंपा है। नरसी जी यदि हमको बेचे तो 20 बाजार में जाकर मैं बिक जाऊं। अब आपको दूसरी बातों से क्या लेना देना, आप मायरा लो। अब भगवान पहली पत्रिका हाथ में लेकर देखो मायरा भरने लगे। सवा 25 मण ले लो सुपारी, सवा 25 मण रोरी हरी। सवा 25 मण ले लो सुपारी, सवा 25 मण रोरी हरी। सवा 25 मण मेहंदी ले लो, सवा 25 मण मोरी हरी।
सवा पचीस मन में दिल लो सवा पचीस मन मोरी जी गिरी छुआरा पिस्ता नो जा बिदाम अरु चारोरी जी गिरी छुआरा पिस्ता नो जा बिदाम और चारोरी सवा पचीस मन ले लो कले वो और मेवारी बोरी हरी सवा पचीस मन ले वो कले वो और मेवा कागज में दोई लिखी सिलाड़ी झपटर ले गई डोकरी कागज में दोई लिखी सिलाड़ी झपटर ले गई डोकरी लूण हमारी मांगण लागी पांड्या जी री छोकरी हरी लूण हमारी मांगण लागी पांड्या जी री छोकरी भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज जी भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज नानी वैरे माहेरारी ठाकुर जी ने लाज सीताराम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरे हरे बोलो समरिया सेठ की जय हो सवा पचीस मन ले लो सुपारी सवा पचीस मन रोरी सवा पचीस मन मेहंदी ले लो सवा पचीस मन मोरी गिरी छुआरा पिस्ता नोजा बिदाम अरुचियारो सवा पचीस मन ले लो कलेवो और मेवों की बोरी खाली नहीं भरी हुई हजार थान महमूदी कपड़ा साल दुशाला कपड़े 80,000 मोरे करोड़ रुपये रोका कागज में दो सोने की सिलाड़ी लिखी हुई है डोकरी माँ बोली मुझे दो ब्राह्मणों की लड़की उसने कहा मैंने लूण अमारी की भगवान ने कहा इसको भी नेक दो पहली पत्रीपुर जूनेगढ़ आई जकी दूजे हाथ हजूर भरने लागियो मायरो अब दूसरी पत्रिका जो नानी भाई लिखवा करके लाई थी वो पत्रिका भगवान हाथ में लेकर के मायरा भरने लगे फलसे के ऊपर जो रखवाली करता है उसके लिए दो सोने के तीर गांव में जितने कुमार हैं जितने चाक चलते हैं सब कुमारों के लिए सवा सवा लाख रुपये पारस पीपली के जितने पत्ते हैं उतने ही गिनकर जरी लगे हुए थान ले लो जरकस हंदा थान ले लो जरिया हंदी झूल जवाई के लिए सोने का फूल देरानी जेठानी के लिए मई चूंदड़ी जरी लगी हुई छोटोड़ी ननद के लिए मई चूंदड़ी बंदेज की जोधपुर वाली नानी बाई का पूरा श्रृंगार तुलसा बाई तोयती के लिए मोतियों का हार हैदराबाद वाला नानी बाई ये कदमे छोटी है कोटी से जब सामान लेती है तो हाथ पूछता नहीं सोने का पगोतिया सूरत से बारात आई हुई है कपड़े पहन लो दहेज में देने के लिए 1,25,000 रुपये नरसी जी के जमाई जिनका नाम है परशुराम जी उनके लिए हीरों से जड़ा हुआ पूरा श्रृंगार आओ जी नारायण जी भगवान नारायण जी को कपड़े देने लगे तब नारायण जी बोले पहले आपकी ये हाथ की सुमरणा दो भगवान बोले सुमरणा कैसे दूं नारायण वही सो गया तब भगवान ने देखा ये तो देखो बदनाम कर रहा है भगवान ने सुमरणा दी तब नारायण बोला मुझे कपड़े दो भगवान जो ही कपड़े देने लगे नानी बाई बोली मारो तो सांवरियो हंस हंस देवे और नकटो नरणो दको मांग मांग लेवे दिन सारू साल दुसाला ब्यायो रे वास्ते कपड़ा नानी बाई के लिए दौड़ते वड़दार अब भगवान हमारे महेश्वरी जी नानी बाई को चौंदड़ी ओढ़ाएंगे आप सभी भाई बहन भाव के साथ दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन करें
नानी भाई के लिए दो दो तीन तीन वेश, सासू जी ससुर जी के लिए कपड़े, सासू जी अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, कई दिन हमें याद तो करोगे, यहाँ कब कब आएंगे। नानी भाई की नणंद भाई रूट करके जाने लगी, लक्ष्मी जी ने हाथ का कंगन उतार करके उसको दिया। रूटने से मिलता है बुढ़े समदन, वो रूट करके दूर जाकर बैठ जाती है। भगवान ने रतन जड़ित सुंदर साड़ी डोगरी माँ को ओढ़ाई, नानी भाई की सासू रूट करके जा रही है, लक्ष्मी जी गले का हार उतार कर ब्याण जी को पहनाया। हार देखा और मन में इतनी प्रसन्नता हुई, भगवान अच्छे अच्छे कपड़े अपने हाथों से सबको दे रहे हैं। दाई जी ब्याण जी ले लो मणिया हंदो वेश, दाऊ जी ब्याई जी ले लो जरकस हंदो केश, जितने मंदिर उतने ही ठाकुर जी के कपड़े, उतनी ध्वजाएं, पांच मोर पंचों की, पंचों को कहो कि ढोल बजवाओ। राधा रुक्मण बोली, प्रभु हमारी सुनो, हमारा जिस दिन विवाह हुआ था उस दिन जो हमने साड़ी पहनी थी वो साड़ी हम नानी भाई को ओढ़ाएंगे। भगवान बोले, राधा रुक्मण आप अपने हाथ से नानी भाई को साड़ी ओढ़ा दो। अब देखो राधा रुक्मण दोनों ही नानी भाई को अपने हाथ से साड़ी ओढ़ाती है। देखो कई माताएं बहने जिनको कपड़े पहनाओ इतने सुंदर लगते हैं, पर कई माताएं बहने जिनको कपड़े पहनाओ और बांस को पहनाओ बराबरी है। अपनी तो नानी भाई सोवई गणी, नानी भाई की नणंद भाई को कह दो, नानी भाई की सखी सहेलियों को बुला लो। भगवान नानी भाई की सखी सहेलियों को अपने हाथ से चुंदड़ियां दे रहे हैं। वो सखी सहेलियां चुंदड़ी ओढ़ करके क्या बोलती है, आपने ये कहां से रंगाई, ये चुंदड़ियां हमको दाई आई, फिर कभी फटेगी रंगानी पड़ेगी, हमको एड्रेस दे दो। भगवान बोले, कबीर जी महाराज ने दास कबीरे भेजो बणियो कर कर मन में ख्यात, और नाम देव छिपासू में छपवाई इन भात। इन चुंदड़ियों के द्वारका में हमारे कोठार भरे हुए पड़े हैं, और ये सब चुंदड़ियां नानी भाई के मायरे के लिए तैयार की है। नारायण श्रीरंग जी से कहने लगा, जोर की हुई मायरा तो अपने आए आया और दूसरे लोग ही ओढ़ करके चले गए, मुझे पहले ये पता नहीं था ये नरसी ऐसा मायरा भरेगा, यदि पहले पता हो जाता मैं तो अपनी हवेली सोने की कर लेता, लेकिन अब पछताया क्या होत है जब चिड़िया चुग गई। ये नहीं जानी बात नरसी भरसी मायरो, भयो मुलक विख्यात सोच नारायणो यूं करे। देखो ऐसा पता भी नहीं था कि रास में देखो भगवान ऐसा मायरा भरेंगे। मैं तो करी अनाक नरसी जी सु मस्करी, खून करे मैं लाख क्षमा करोगे हरि भगत। मैंने नरसी जी से मजाक की, ये नरसी जी मुझे माफ करेंगे। भगवान बातें भर भर करके सम्मान दे रहे हैं, बीच बीच में नरसी जी ताल बजा रहे हैं, संत मृदंग ढोलक बजा रहे हैं, सूरदास पद गा रहे हैं। वो कई जो स्त्रियां बैठी थी उन्होंने छोटी छोटी छोरियों को कहा नाचो, जब छोटी छोटी छोरियां नाचने लगी तो वो स्त्रियां क्या बोलती है, प्रभु इनको भी आप चुंदड़ी ओढ़ाओ। भगवान बोले इनको भी चुंदड़ी ओढ़ाओ। कोई ओढ़ पैर करके वहीं खड़ी है, कोई घर जाकर के नई चुंदड़ियां उतार कर पुरानी पहन करके वापिस आ गई, कोई ओढ़ पैर करके वहीं खड़ी है। भोजक भाट आशीष दे रहे हैं, कुल गुरु गोत उच्चारण कर रहे हैं, बंदी जन गंधर्व गान करने लगे, हंसी मजाक करने वाले हंसी मजाक कर रहे हैं, नाचने वाले नाच रहे हैं, कवि लोग कविताएं सुना रहे हैं, ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, सखियां मंगल गाती है। अब देखो समधी को पाठ पर बैठाया और नागर कुल के लोग इकट्ठे होकर के भगवान को भाग खिलाते हैं। अब हम सब
ठाकुर जी को फाग खिलाएंगे। भक्ति भावना के साथ सभी लोग फाग उत्सव का भी थोड़ा सा आनंद लाभ लेंगे। देखो मायरे का प्रसंग बड़ा विस्तार से आता है, हमने तो भाव रूप में आपके सामने निवेदन किया है। अब भगवान को यहाँ से वापस विदा नहीं करना है, भगवान को अपने यहाँ श्री सीमेंट की इस कॉलोनी में यही विराजमान रखना है। हमेशा भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे, हमेशा भगवान का आशीर्वाद रहे और सब लोगों की सुख समृद्धि बढ़े, सब लोग निरोग रहें, सबका कारोबार और ज़्यादा आगे उन्नत हो, ऐसी कामना प्रभु के चरणों में करते हैं। और आज ठाकुर जी को विदा नहीं करेंगे, ठाकुर जी को तो यही रास में हमेशा के लिए विराजमान रखेंगे। इस कॉलोनी पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद रहे, ऐसी भावना के साथ भगवान के साथ अब थोड़ा फाग भी खेलेंगे। मैं हृदय से श्री सीमेंट की ये जो इकाई है, यहाँ जितने भी आप सब लोग सेवा कर रहे हैं, मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ माहेश्वरी जी का और आपकी पूरी टीम का। आपने बड़ी भक्ति भावना के साथ यहाँ देखो अपने एक कारोबार के इस पारिवारिक इस कॉलोनी में एक ऐसा सुंदर आयोजन रखा जिसके माध्यम से सब पर भगवान की कृपा हो जाए, सबका भगवान से संबंध जुड़ जाए, भगवान का आशीर्वाद सबको मिल जाए, ऐसी सद्भावना से आपने ये मायरे का प्रसंग रखा। हरि भक्तों ने जिस श्रद्धा निष्ठा से ये 3 दिवसीय नानी बाई के मायरे का आनंद लाभ लिया है, जिस श्रद्धा से आपने मायरे का प्रसंग सुना है, आप सबकी मनोकामना भगवान पूर्ण करें। कहने की ऐसी कोई क्षमता नहीं है, ज्यादा मैं ये मायरे का प्रसंग मारवाड़ी भाषा में बोलता हूं। कई लोग यहाँ देखो कारोबार से यहाँ रहते हैं तो कई लोग हिंदी भाषी है, तो सबको थोड़ा थोड़ा प्रसंग समझ में आ जाए, इस भावना से कहने में त्रुटियाँ रही है, बोलने में अनेकों भूलें रही है, मेरी त्रुटि की तरफ मेरी भूल की तरफ आप ध्यान नहीं देकर मायरे में जो जो बातें आपको अच्छी लगी है उन बातों को आप हृदय में रखकर अपना जीवन सफल बनाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ये देखो मायरे का प्रसंग केवल हंसी विनोद का ही प्रसंग नहीं है, ये प्रसंग भक्त और भगवान की महिमा प्रकट करने वाला। देखो भक्त की भगवान के प्रति निष्ठा होती है तो भगवान भक्त के लिए हर कार्य करने के लिए तैयार है। एक छोटे से मायरे का प्रसंग, भगवान सांवल सेठ बनकर के आए और नरसी जी के लिए 56 करोड़ का मायरा भर दिया। पुनः हृदय से आप सभी का बहुत बहुत सम्मान। अब हम सब लोग खड़े होकर के भक्ति भावना के साथ ठाकुर जी के संग फाग का आनंद लाभ लेंगे। नागरकुल के लोग ठाकुर जी को फाग खिलाते हैं, उसी भाव को साथ में रख करके सब लोग आनंद लाभ लें। बोलो सांवरिया सेठ की आयो रे वृंदावन से, आयो रे वृंदावन से, होलिया में होलिया में होलिया में उड़े रे गुलाल, आयो रे वृंदावन से, होलिया में उड़े रे गुलाल। आयो रे वृंदावन से, होलिया में होलिया में होलिया में उड़े रे गुलाल, आयो रे वृंदावन से, होलिया में उड़े रे गुलाल, आयो रे वृंदावन से।
मुकुट भरो श्याम आयो रे वृंदावन से मोर मुकुट भरो श्याम हरी राधा रानी पायल वाली हरी राधा रानी पायल वाली हरी राधा रानी पायल वाली राधा रानी पायल वाली मुरली वालो मारो श्याम आयो रे वृंदावन से मुरली वालो मारो हरी राधा रानी नथली वाली से घंटा वालो मारो शाम आयो रे वृंदावन से होलिया में उड़े रे गुलाल आयो रे वृंदावन से रे झूला झूला रे झूला झूला रे झूला झूले रे बनवारी आई सावन री रम झोरे झूला झूले रे बनवारी आई सावन की रम हे सावन री रम झोरे रे आई झूलन री रम झो सावन री रम झोरे रे आई झूलन री रम झो रे झूला झूला रे सावन रे रम जो बोलो सावरिया सेठ की नरसी भगत की आज के आनंद की जय। पुनः सभी हरिभक्तों का हृदय से बहुत बहुत सम्मान। तीन दिन तक आपने यहाँ बैठ करके भक्ति भावना से ये माहिरे का आनंद लाभ लिया।